अगर हम आसान भाषा में समझे तो जो एनर्जी सन से आ रही है उसे ही हम लोग सोलर रेडिएशन कहते हैं। तो जो सन से एनर्जी निकल रही होती है उसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी भी कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि सन के पास जो इतनी एनर्जी या फिर आपकी हीट और लाइट जो प्रोड्यूस हो रही है वो कैसे हो रही है, उसे किसके वजह से जो है इतनी हीट और लाइट या एनर्जी मिल रही है। सन के पास जो है बहुत ही अधिक मात्रा में हीलियम और हाइड्रोजन जो है पाई जाती है। तो सन पे जो सोलर रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है उसका मेन कारण होता है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। कंटिन्यूसली होता क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो है सन पे होते रहता है, जिसमें जो है हाइड्रोजन का कन्वर्जन जो है हीलियम में होता है, जिसके कारण जो है अधिक मात्रा में हीट और लाइट जो है प्रोड्यूस होने लगती है। तो सन का कोर का टेम्परेचर जो होता है वो लगभग आपका 10^7 केल्विन होता है और जो सन का सरफेस का टेम्परेचर होता है वो लगभग 5880 केल्विन होता है। इस सोलर रेडिएशन को धरती तक पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। ये जो आपकी सोलर रेडिएशन या सनलाइट जो होती है उसके अंदर जो है अलग अलग रेंज के जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है मौजूद होते हैं, जैसे आपका अल्ट्रा वायलेट रेज, विजिबल लाइट, इंफ्रारेड रे, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक्स रेज और गामा रेज। जो हमारी इंफ्रारेड रेज होती है वह हमें हीटिंग इफेक्ट देती है और जो लाइट हमें दिखाई देती है वह हमें विजिबल लाइट की वजह से दिखाई देती है। ये जो हमारी डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव धरती तक आ रही है उसे जो है हम लोग वेवलेंथ में मेजर करते हैं, जिसका वेवलेंथ 300 से 400 नैनोमीटर होती है उसे हम लोग अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, जो कि लगभग 5% मौजूद होती है, और जिसका वेवलेंथ 400 से 700 नैनोमीटर होती है उसे हम जो है विजिबल लाइट कहते हैं, जो कि लगभग 43% होती है, और जिसका वेवलेंथ 700 से 2500 नैनोमीटर होती है उसे हम लोग नियर इंफ्रारेड कहते हैं, जो कि लगभग 52% होती है। अगर सपोज सन से 100% सोलर रेडिएशन जो है निकल रही है तो इस 100% सोलर रेडिएशंस का लगभग 51% सोलर रेडिएशंस को हमारा अर्थ सरफेस जो है ऑब्जर्व कर लेता है और लगभग 4% सोलर रेडिएशंस को हमारा अर्थ सरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है। जो सन से सोलर रेडिएशन धरती तक पहुंचती है वह हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स के रास्ते होते हुए भी धरती तक पहुंचती है। तो लगभग 19% सोलर रेडिएशंस को हमारे एटमॉस्फेयर और क्लाउड्स के द्वारा जो है ऑब्जर्व कर लिया जाता है और लगभग 20% सोलर रेडिएशन जो है क्लाउड्स के द्वारा रिफ्लेक्ट हो जाते हैं और लगभग 6% सोलर रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर के द्वारा जो है रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ तक समझने के बाद दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है निकल के आते हैं, जो अक्सर जो है आपके इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है हमारा, जो हमारी डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या फिर आपका रेज जो हमारे सनलाइट में मौजूद होते हैं उनमें से कौन सोलर पैनल्स के लिए यूजफुल होता है। वह है हमारा विजिबल लाइट, जिसकी वेवलेंथ की रेंज 400 से 700 नैनोमीटर होती है। जो हमारा दूसरा सवाल है, जो हमारे सोलर पैनल्स या सोलर प्लेट्स लगे होते हैं जब उस पे सूर्य की प्रकाश पहुंचती है तो जो हमारे सोलर पैनल्स या प्लेट्स होते हैं वह उस प्रकाश से कौन सी चीज को ऑब्जर्व करता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने में मदद करता है। तो वह है आपका फोटॉन्स। तो जो हमारी सोलर पैनल्स या सोलर प्लेट्स जो होते हैं वह सूर्य से आने वाली प्रकाश से फोटोन को ऑब्जर्व करती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो सीरीज का पहला पार्ट आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। गुड लक।